हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। एमएस एक्सेल की थ्योरी क्लास में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम 27 नवंबर को आया था और 30 नवंबर को आया था, उसी क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सेल में कोई चीज़ बिगिन करते हैं, कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं एक्सेल में, तो हम करते हैं इक्वल साइन के साथ। ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो वो करते हैं इक्वल के साइन के साथ। ठीक है, यही क्वेश्चन है और यही इसका आंसर भी है। एक्सेल यूजेज स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ फार्मूला सच एज प्लस साइन, माइनस साइन। ठीक है, ये जो आप लिंक भी यहाँ पे देख भी रहे होंगे, कॉलम बना है जहाँ पे आपको सब कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा कि जो सिस्टम में कैसे क्या फार्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग सेल रेफरेंस की बात कर लेते हैं, सेल एड्रेस की बात कर लेते हैं। वाइल यू कैन क्रिएट सिंपल फार्मूला इन एक्सेल यूजिंग द नंबर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज सेल एड्रेस टू क्रिएट फार्मूला। हम ज़्यादातर हमें सेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं फार्मूला को क्रिएट करने के लिए, और जिसको कि कहा जाता है दिस इज नोन इज मेकिंग सेल रेफरेंस। ओके, और ये देख लीजिए, ये कॉम्बिनेशन टेबल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा कैसे कैलकुलेशन किया जाता है एमएस एक्सेल में। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, और ये पूरा कैलकुलेशन के लिए फार्मूला पैटर्न है। ठीक है, इसको आप एक बार रेड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो नेक्स्ट पेज पे विजिट करते हैं। किसी भी फार्मूला को कैसे क्रिएट किया जाता है, जैसे एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक सेल को क्रिएट करना है, देन विल कंटेन द फार्मूला। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं D12। ठीक है, D12 हमने एग्जांपल ले लिया, ये स्लाइड में भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सब हायर लेवल की स्टैंडर्ड चीज़ है, ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होने चाहिए। थ्योरेटिकली क्लास करा देंगे बाद में, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि कल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि आपको MCQ करना है या फिर बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन करना है, तो उसको भी करा देते हैं। ठीक है, तो वन लाइनर की तरफ विजिट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कंटेंट पे और आ जाते हैं, जिसमें आपको ऑटोसम बताता हूँ। ठीक है, ऑटोसम कमांड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले पेज आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, रिबन कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले आपको जाना है फार्मूला टैब में, सबसे ऊपर फार्मूला टैब, फार्मूला टैब में ऑटोसम। ठीक है, ऑटोसम में जाएंगे तो आपको ये रिबन है, ऑन द रिबन। ठीक है, तो जब ऑटो सम में आएंगे, यहाँ पे आपको समेशन, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम या फंक्शन मिलेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, पहले तो अल्ट्रासाइन से स्टार्ट किया जाता है कोई भी चीज़। ठीक है, ये तो एमएस एक्सेल में आपको जानकारी है, लेकिन उसके साथ जो अल्टर प्लस इज इक्वल टू होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टर प्लस इक्वल टू, ये जो साइन होता है वो ऑटो सम कमांड के लिए होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। जो अल्टर प्लस इक्वल टू साइन होता है वो होता है ऑटो सम कमांड। ये एमएस एक्सेल 2016 चल रहा है, जैसा कि आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा यहाँ पे, एमएस एक्सेल 2016। ठीक है, ये बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट ऑफ 49 रुपीज। ठीक है, 49 रुपीज, और इसके साथ आपको 7 PDF फ्री मिलेगा, जिसके लिए आप हमको व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, 8542878000। ठीक है, यदि आप ये बुक परचेज करते हैं तो आपको हिंदी का 2500 MCQ फ्री और इंग्लिश का 4000 MCQ फ्री मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको 6500 MCQ हिंदी और इंग्लिश के फ्री में भी मिलेंगे इस बुक के साथ आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है, फंक्शन याद आ गया, तो नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, द फंक्शन इन साइड अ फंक्शन इज नोन एज नेस्टेड फंक्शन। ओके, तो इसमें आप डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ चार्ट, इससे आपके एक क्वेश्चन बल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेट एग्जाम में फिक्स हैं, बिल्कुल श्योर हैं एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट इज यूज टू शो द ट्रेंड्स। यदि मुझे ट्रेंड्स को दर्शाना है, ट्रेंड्स को रिप्रेजेंट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं यूज करूंगा लाइन चार्ट का। नेक्स्ट है कॉलम चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट इज यूज टू कंपेयर सेवरल आइटम। कॉलम चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है सेवरल आइटम्स को कंपेयर करने के लिए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर। नेक्स्ट है पाई चार्ट, पाई चार्ट किस लिए यूज होता है, पाई चार्ट यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेशन, किस चीज़ के लिए, पाई का रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल बात किया जाए, लेकिन किसका रिप्रेजेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोपोर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ ईच डाटा आइटम ओवर द टोटल वैल्यूज। ठीक है, यानी कि पाई चार्ट का रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन ऑफ डाटाज को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल वैल्यूज में। नेक्स्ट आ जाता है बार चार्ट क्या होता है, बार चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर सेवरल कैटेगरीज ऑफ डाटा, इट इज़ अ आइडल फॉर विजुलाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन ऑफ डाटा आइटम्स व्हेन देयर इज मोर देन 3 कैटेगरी, जब 3 से ज़्यादा कैटेगरी होगा तो उसमें यहाँ बार चार्ट का इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट आ जाता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या होता है? एरिया चार्ट क्लियरली इलुस्ट्रेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज बिटवीन टू और मोर डाटा पॉइंट, ठीक है। फिर एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट, इसका यूज किया जाता है कोरिलेशन बिटवीन सेट ऑफ वैल्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए एक्स वाई स्कैटर प्लॉट चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है किसी भी चार्ट को हमें क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डाटा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपका कट है, ठीक है, यानी कि क्लोज्ड है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज टैब है। तो एम एस एक्सेल 2016 में किसी भी चार्ट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट द नंबर ऑफ लेवल्स दैट यू वांट टू यूज और टू क्रिएट अ चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिक द इंसर्ट टैब और लिस्ट ऑफ चार्ट आइकन अपेयर इन द चार्ट, ठीक है। ये आपका मेंशन है, आप यहाँ से रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्रिएट अ चार्ट के चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन यहाँ पे कवर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपको चार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली मैं बता भी दे रहा हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, चार्ट को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाना है। देखिए ये इंसर्ट टैब में सबसे पहले गया, इंसर्ट टैब में जाने के बाद क्या करना है आपको कि इंसर्ट टैब आइकन में गए, फिर चार्ट ग्रुप में जाना है, चार्ट ग्रुप आपका ओपन हो जाएगा। फिर चार्ट आइकन कलेक्ट इन द चार्ट ग्रुप सच एज पाई लाइन आइकन, ठीक है, ये सब मेंशन रहेंगे, पाई लाइन आइकन, मीनू अपेयर डिस्प्ले इन द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट यू कैन चूज। तो आपको क्लिक कहाँ करना है, आपको क्लिक करना है चार्ट टाइप के ऊपर, कहाँ क्लिक करना है, चार्ट टाइप, जैसे देखिए ये यहाँ पे क्लिक है चेंज चार्ट टाइप, ठीक है, चार्ट टाइप पे क्लिक करना है। जब चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे एक्सेल तो क्रिएट अ चार्ट एंड डिस्प्ले द चार्ट टूल डिजाइन फॉर्मेट टैब, तो डिजाइन फॉर्मेट टैब आपको मेंशन दिख जाएगा, बस आप पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट है अगर किसी चार्ट को डिलीट कैसे करना है, हाउ टू डिलीट अ चार्ट। तो किसी भी चार्ट को डिलीट करने के लिए क्लिक ऑन द चार्ट यू वांटेड टू डिलीट, जिस चार्ट को आपको डिलीट करना है उस चार्ट पे क्लिक कीजिए, जिस चार्ट को आपको डिलीट करना है उस चार्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डिलीट वाला बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। अब देख लिए ये जो आपका कुछ टर्म्स हैं जिसमें लाइन कॉलम विंड लॉस को रिप्रेजेंट किया गया है स्पार्क लाइन के हेल्प से। यूजिंग स्पार्क लाइन आप कैसे विजुलाइज करेंगे अपने डाटा को, तो लाइन कॉलम और विंड लॉस में, अब यदि स्पार्क लाइन को आपको क्रिएट करना है, टू क्रिएट और एंड डिस्प्ले द स्पार्क लाइन इन अ स्प्रेडशीट, तो क्या इसके कुछ पांच पॉइंट्स होते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि स्पार्क लाइन को कैसे क्रिएट किया जाता है। टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्पार्क लाइन इन स्प्रेडशीट फॉलोज दिस स्टेप, सबसे पहले क्या किया जाता है, सेलेक्ट द सेल दैट कंटेंट द डाटा यू वांट टू टर्न इनटू स्पार्क लाइन, फिर इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप लाइन कॉलम या विन लॉस पे क्लिक करेंगे। अब लाइन कॉलम विन लॉस क्या होता है मैं आइकन्स दिखा देता हूँ, ये आइकन्स हैं जो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये आइकन्स हैं आपके, ठीक है, इन द स्पार्क लाइन ग्रुप। उसके बाद द क्रिएट स्पार्क लाइन डायलॉग बॉक्स अपेयर, क्लिक द सेल वेयर यू वॉन्ट टू स्पार्क लाइन टू अपेयर, यू कैन सेलेक्ट टू और मोर सेल इन द लोकेशन रेंज टेक्स्ट डिस्प्ले बॉक्स सेल रेफरेंस दैट यू चूज, ओके क्लिक करेंगे देन स्पार्क लाइन क्रिएटेड हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर किसी स्पार्क लाइन को डिलीट कैसे करना है, देखिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है एमएस एक्सेल एमएस वर्ड एमएस पावरपॉइंट में, किसी चीज़ को क्रिएट करने वाला और किसी चीज़ को डिलीट करने वाला, क्रिएशन से भी क्वेश्चन आएगा, डिलीट से भी क्वेश्चन आएगा, और इस क्रिएशन और डिलीटेशन में जो शॉर्टकट कीज यूज होंगी, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक स्पार्क लाइन को डिलीट करना है तो उसके लिए स्टेप फॉलो कर, सबसे पहले उस स्पार्क लाइन पे कंटेन करेंगे, क्लिक द सेल दैट कंटेन स्पार्क लाइन, उस सेल पे क्लिक करेंगे जो स्पार्क लाइन कंटेन करता है, उसके बाद क्लिक करेंगे डिजाइन टैब के ऊपर, क्लिक द क्लियर आइकन इन द ग्रुप कैटेगरी यू चूज स्पार्क लाइन डिसअपेयर, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। शॉर्टकट कीज अगले वीडियो में कवर करेंगे आपसे। तो ओके फ्रेंड्स, कुछ और भी टॉपिक कवर कर देते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो हम जैसे कि आ जाते हैं इंसर्ट डिस्प्ले कर देते हैं और आपको कुछ बता देते हैं। देखिए जैसे कि ये जो पीडीएफ है, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके सारे पार्ट्स अपलोड होंगे, पहले तो इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है आपको, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, या फिर आप परचेज कर सकते हैं इस पीडीएफ को, इसकी कॉस्ट मात्र 49 रुपीज़ है, ठीक है, ओनली 49 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है पीडीएफ की, ठीक है। इसके साथ आपको फ्री क्या मिलने वाला है, पीडीएफ लेने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करेंगे तो वहाँ लिख के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, जो आप पेमेंट स्क्रीनशॉट होगा, आपको 7 PDF फ्री मिलेगा, ठीक है, 7 PDF आपको फ्री मिलेगा। और फ्री कैसे मिलेगा देख लीजिए, उसमें आपको 2500 हिंदी वाले MCQ फ्री मिलेंगे,
4000 इंग्लिश एमसीक्यू फ्री मिलेंगे, ठीक है, और अलग अलग टॉपिक के पोर्शन मिलेंगे, जैसे फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, फुल फॉर्म यानी कि जिसको कि एब्रिवेशन कहा जाता है, और शॉर्टकट की, ये 3 PDF आपको ये मिलेंगे। 262 पेज की किताब मिलेगी जिसकी कॉस्ट मार्केट में 199 रुपये है, और जिसके ई बुक की कॉस्ट 99 रुपीज़ है, लेकिन हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आपको अगर हमारे टेलीग्राम फ्री PDF चाहिए तो स्टैक गुरुजी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, स्टैक गुरुजी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको 30 फ्री PDF मिलेंगे, 33 PDF ऑफ बेल्ट्रॉन। ओके, तो चलिए, थैंक यू।